लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां मंत्री तुलसी सिलावट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। एक खतरा है, खतरा इस बात का है कि जो मिलावट हो रही है सिंथेटिक दूध सफेद जहर के रूप में, मध्य प्रदेश के जो बच्चा जन्म लेता है, छोटा हो बड़ा हो, माँ हो बहन हो या वरिष्ठ हो या सीनियर हो, उनको जो हम सफ़ेद दूध के रूप में जो जहर दे रहे थे, दूध पनीर मावा घी की, इसके कारण जो मिलावट के कारण मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ, मध्य प्रदेश की बुनियाद के साथ जो कमज़ोर कर रहे थे, इन मिलावट से नंबर वन पर कैंसर, नंबर दो पर किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, इन बीमारियों को कई वर्षों से ये बीमारियां पहले कभी इतनी नहीं हुई। मैंने सर्वे कराया, जब आप लोगों ने मुझे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की बागडोर सौंपी 1 जनवरी को, मैंने पूछा बीमारी कौन सी सबसे ज़्यादा हो रही है, कारण बदलाव, तो विशेषज्ञों डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इन्होंने 5 बीमारियों का नाम दिया, मैंने जो आपको गिनाया। मैंने इसकी बुनियाद कहाँ है तो बोले मिलावट। मैंने मिलावट का स्वरूप क्या है, बोले सिंथेटिक दूध पनीर मावा घी सब्जी मसाला, इसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आपके निर्देश में, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भविष्य की रक्षा करना है, मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। तो मैं, उन्होंने कहा जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हो करो, पर जो मिलावट का नासूर है मेरे मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 31 रासुका मिलावट करने वालों के खिलाफ हमने लगाई, 96 FIR मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंजीवन बद हुआ, मुकदमे FIR हुई, दर्ज हुए। एक जिला बदर की लगभग 8200 पूरे मध्य प्रदेश में जो हमने मिलावट के खिलाफ, जो युद्ध के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध, जब हमने छापे डाले थे, कार्रवाई की थी, तो इतने सारे सैंपल हमने ले चुके हैं, पर सैंपल की अति शीघ्र लेप की कमी है मध्य प्रदेश में। हमने निर्णय लिया कि यहाँ से मध्य प्रदेश के बाहर प्रांतों में, महाराष्ट्र में भी इसको भेजा जाए, वहाँ से भी आए अभी लगभग 2100 सैंपल की जांच हो चुकी है। मिलावट का प्रतिशत मैं सोचता हूँ 50% जो कभी भी आज तक इस स्तर पर कभी नहीं हुआ। मुझे याद है कि कई वर्षों जब भी मैं छोटा था तो दीपावली पर, राखी पे सैंपल लिए जाते थे और वो भी नगर निगम लेते थे, पर आज ये आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक के, आपके और अपने भविष्य की बात है। मैं इस सरकार के निर्णय, जो मिलावट के खिलाफ कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार ने लिया था, मैं इंदौर के बासिंदों को, इंदौर के प्रत्येक नागरिकों को, वकील से लेकर, डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, प्रोफेसर से लेकर, गुरुजनों से लेकर, खिलाड़ी से लेकर, तरुण से लेकर, बेटियों से लेकर, पद्मश्री से लेकर,
राष्ट्रीय स्तर नेगी से लेकर सब लोग मिलावट के खिलाफ सड़कों पे थे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं उनको आभार मानता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कई वर्षों से ये मिलावट का काम चल रहा था, जितनी कड़ी कार्रवाई इस सरकार ने की, आपकी सरकार ने की, इसके पहले कभी नहीं हुई। देश के इतिहास में मिलावट के खिलाफ 31 राशु का किसी भी प्रांत में नहीं लगाई गई, इतनी FIR नहीं हुई। मेरा तो सोच ये है कि जब मैंने SP, DIG, IG, कमिश्नर हर संभाग स्तर पर जाकर, चाहे उज्जैन हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, हर जगह हर कमिश्नर से बात की, संभाग स्तर पर हर कलेक्टर से बात की, DIG से की, SP से बात की, IG से की, कि जब कोई व्यक्ति हत्या करता है उस पर कौन सी धारा लगती है, तो उन्होंने कहा 300। मैंने कहा रोज जो हत्या करे उस पर हम राशि का भी नहीं लगा सकते, तो उन्होंने कहा, सब ने एक स्वर में स्वास्थ्य विभाग के साथ, मैंने कहा ना पूरी सरकार, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सारे मुख्य सचिव से लेकर सारे PS, मेरे विभाग के PS से लेकर कमिश्नर से लेकर फूल कंट्रोल लेकर मध्य प्रदेश के हर कोने में इन्होंने, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, इनका भी आभार मानता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई पूरे समाज के लिए थी, पूरे मध्य प्रदेश के लिए थी। मेरा तो ये मानना है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में IPC 272-273 में आजीवन कारावास का प्रावधान, फर्स्ट एक कोर्ट की भी बात में कर रहा हूँ, एक्ट में भी संशोधन करना पड़े तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर यह कार्रवाई मिलावट के खिलाफ तभी रुकेगी कि मिलावट करने वाले या तो मध्य प्रदेश छोड़ें या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें या सलाखों में जाने के लिए रहें। पर मेरा सभी मध्य प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश है, दोषी को छोड़ो मत और निर्दोष को परेशान मत करना। ये पूछना अभी इसको मुहिम को शुरू है मात्र, अभी 2.5 महीने में, अभी समय लगेगा, हाउस में जाएगा, ये प्रक्रिया होती है आपको पता है, इसमें समय लगेगा। और इस मिलावट के लिए मैंने बोला ना, सरकार वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। आपको पता है कि ये प्रयोगशाला जो लैब की कमी आज से नहीं वर्षों से है, इस सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 लैब 5-5 करोड़ की इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, इसी महीने तीनों का भूमि पूजन हो रहा है, इसी महीने तीनों लैब का भूमि पूजन हो रहा है। और मैं तो आपसे फिर मानता हूँ, ये आंदोलन मेरा नहीं है, इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति को जब मीठा जहर देगा दूध के रूप में, पनीर के रूप में, मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने घोषणा की थी जनता की भागीदारी से बढ़ाई जाएगी, लोगों को इनाम दिया जाएगा सूचना में, आप बताएं उसमें जो भी व्यक्तियों ने सूचना दी है, सूचना जिन जिन लोगों ने दी है, मध्य प्रदेश के 51 जिले में हर कलेक्टर को कहा था कि जो सूचना देगा उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कितने हजार का? 25,000 का।
मैं तो आपको पूरी सूची दे रहा हूँ किन किन जिलों में रासुका लगी, किन किन जिलों में FIR हुई। उसको गुप्त रखा गया है, हमने उस समय गोपनीय है, मैंने उस समय भी आपको कहा था वो ना बतलाऊंगा। नहीं नहीं सुनो सुनो, उन्होंने सुनो सुनो, उन्होंने सूचना दी, मैं बता रहा हूँ उन्होंने सूचना दी है पर उनका संख्या भी नहीं गुप्त रखी गई है, उन्होंने इनाम लेने से मना कर दिया, पर उन्होंने जो सूचना दी वहाँ छापा डाला, कई जगह मावा मिला, कई जगह घी मिला, ये घटनाएं हमारे सामने आई क्योंकि ये मुद्दा इनाम से महत्वपूर्ण से। हाँ नहीं नहीं कम से कम 250 250 मैं सोचो मैंने क्या बोला, जो मैंने बोला सब हुआ। सुनो सुनो, अब ये इनाम से महत्वपूर्ण ज्यादा आपका ये है कि मैं आपकी रक्षा करूं।